फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल वीर की दुनिया। आप दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस व्लॉग में। और आज था संडे, पूरा निकाला था साफ सफाई। और ये आप देख सकते हैं, ये सब साफ सफाई निकाला था पूरा दिन काम पे, फील्ड पे। उसके बाद अभी साफ सफाई निकाला, अभी थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। पेपर, इतने सारे पेपर जमा हो गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट बिना मतलब के। तो बस आज ऐसे ही थोड़ा अभी साफ सफाई करने का डील हो गया, अभी साफ सफाई कर रहे थे। और उसमें हेल्प कर रहा था हमारा ये गबरू, है ना गबरू। मम्मी भी यहाँ पे लगे पड़े साफ सफाई करने में। मम्मी तो देख रहा है। तो क्या करें, तभी इतना सब जमा हो गया था काफ़ी टाइम से, सब कुछ भी मतलब निकाले नहीं थे, बिना मतलब के कागजात जमा करके बैठे थे। तो अभी फाइनली थोड़ा बहुत अभी साफ सफाई किया। और बस संडे है, नींद वींद कम्प्लीट हुआ, थोड़ा टाइम नींद हुआ, आराम किया, टाइम पास किया, टीवी देखा। तो ऐसा कुछ था गाइज अपना संडे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे कैसा जाता है, और आप संडे को कहाँ पे जाते हैं, कहाँ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कि हम लोग तो देखते हैं, सोच रहे हैं कहीं निकल जाए, देखते हैं कहीं गए तो, वरना तो फिर घर पे ही रहेंगे। और जो भी साफ़ सफाई का कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ऐसा कुछ है, ये देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, इतना एक थैली भर के निकला, पूरा एक थैला भर के निकला है सब कचरा। ऐसे बहुत ज़्यादा कचरा है भाई, बहुत ज़्यादा कचरा पूरा। अगर घर का हम साफ सफाई करने बैठेंगे तो मेरे को लगता है कचरे की एक पूरी गाड़ी हमारे ही घर से भरेगी, है ना मम्मी। बेफिजुल का सब आप जमा करके बैठे रहते हो भाई। इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, इसके लिए वो सब रख देती हूँ, संभाल संभाल के फिर आया कागज रख देती हूँ। जो भी आया, लेटर आया, कुछ डॉक्यूमेंट आया, जो आया जिसका आया। कई बार तो कैसा होता है ना गाइस कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो अपना पोस्टमैन जो रहता है, वो कभी कभार उसका यहाँ पे छोड़ के जाता है। अगर वो मिल गया बंदा तो ठीक है, हम उन तक पहुँचा देते, अगर नहीं मिलता है तो हम उसको वापस अगर दे देते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कई बार कैसा रहता है ना कि वो डोर के अंदर डाल के चला जाता है पोस्टमैन, तो हमें पता नहीं चलता है। तो वैसे डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो अभी आज वो सब हम लोग ने निकाला है। ऐसा कुछ है गाइस, और देखते हैं अभी कहीं गए तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ, और देखते रहिएगा आगे आगे होता है।
का संडे ख़त्म हुआ यहीं पे। और अभी जैसे कि आपने देखा कि हम लोग गए थे रघुलीला मॉल घूमने के लिए, वहाँ के कुछ मैंने टाइम लैप्स दिए थे वो आपके साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि वो टाइम लैप्स आपको सारे अच्छे लगे होंगे, आपको भी एकदम मज़ा आया होगा टाइम लैप्स देख के। तो अभी डिनर वगैरह हो गया है कम्प्लीट, और डिनर में आपको जैसे कि कल ही हम लोग ने बताया था कि आज मम्मी बनाने वाली थी डिनर में पानी पूरी वगैरह खा लिया। और बस अभी गाइस सोने की तैयारी करते हैं, बस थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह किया और कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम, उसी में आज पूरा दिन चला गया और दोनों चीज़ हो गई, घूमना भी हो गया, थोड़ा टाइम बाहर घूम के भी आ गए, और दोपहर को थोड़ा नींद भी मिल गया, थोड़ा कुछ जो भी साफ़ सफाई वगैरह था वो भी हो गया और आराम भी हो गया। तो आज का संडे हो गया अपना वसूल, एकदम पैसा वसूल संडे। तो दोस्तों दूसरी चीज़ कि आप वीडियो को लाइक बहुत ही कम कर दे हो गाइस, तो ऐसा मत करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइस, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, जो भी आप अपना सपोर्ट दिखाओगे तो उसी से हमको भी थोड़ा मतलब जोश आता है, हम भी इंस्पायर होते हैं और वैसे ही उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और थोड़ा बहुत अभी ज़ुकाम है शाम से, तो गर्मी भी है, फिर पता नहीं कुछ क्लाइमेट ऐसा है तो थोड़ा ज़ुकाम है अभी आज शाम से, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ऐसा है नहीं, नॉर्मल ज़ुकाम है। तो बस दोस्तों ऐसा कुछ था अभी तक का हमारा दिन, और अभी भाई बाहर बिजी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं सभी लोग, और मैं थक गया हूँ तो मैं बेडरूम में आकर बैठ गया। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई धमाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हरिओम।